नमस्कार सेल फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा खास शो हेलो डॉक्टर, जिसमें हम आपके लिए तमाम समस्याओं से जुड़ी राहत लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें हम तमाम डॉक्टर से मुलाकात आपकी करवाते हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव राठौर, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स के एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के। सर, नी ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट, पहले तो ये शब्द बहुत भारी लगते हैं आम लोगों को, पहले तो आप जरा ये समझाइए कि होता क्या है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट या प्रत्यारोपण, ये एक कॉमन सर्जरी है आजकल, क्योंकि आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारे जो जोड़ होते हैं समय के साथ कई कारणों से घिसने लगते हैं और डिजेनरेट कर जाते हैं, और वो फिर पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ पैदा करते हैं, चलने में उनको बाधाएँ पैदा करते हैं। तो इस वजह से जो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसका जो फाइनल सोल्यूशन होता है, वो होता है नी रिप्लेसमेंट। जो उसकी सतह होती है उसको हटा के हम नई सतह लगा देते हैं जोड़ों के अंदर। तो वो धातु की सतह होती हैं, उसके अंदर कुछ और मटेरियल्स होते हैं जिसके हम बनाते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। अच्छा, और ये ऑपरेशन अभी का नहीं है, ये कम से कम 50 साल से इजाद हो रहा है और धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि अब बहुत ज़्यादा लोग इस पर जा रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ तो लोगों को नॉलेज होता है, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता। जो आम लोग हैं, तो उनको कैसे पता चले कि नी रिप्लेसमेंट क्या है, इसका ख़र्चा कितना आएगा और ये कितना सक्सेसफुल है? तो देखिए, एक ज़माने में हमारे देश में, और बहुत समय पहले की बात नहीं है, 1991-92 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में घुसा था, तभी सिर्फ एक या दो सेंटर थे पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे रिप्लेसमेंट होते थे। आप उंगलियों पे गिन सकते थे कि महीने में या साल में कितने रिप्लेसमेंट होते थे। देखते देखते ओवर द लास्ट 30 ईयर्स, ये आज दुनिया में करने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन ऑपरेशन हो गया है। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, कैटरेक्ट का, और इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन इज नी रिप्लेसमेंट। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा कॉमन है, और दूसरी चीज़ है इसका जो ये सोल्यूशन जो आया है नी रिप्लेसमेंट, ये काफ़ी सक्सेसफुल है। इसके जो हम रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस तो बढ़ती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी होता है, तो लोगों को भी समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये हमारे लिए ठीक है और ये कितना हमारे साथ रहेगा आगे। देखिए, अगर वो ओरिजिनल ओरिजिनल के ही शेप में रहता, जैसे हमारा जवानी में रहता है घुटना, अगर वो समय के साथ नहीं बदलता तो उसका कभी प्रत्यारोपण नहीं होता। ये तो जब वो ओरिजिनल चीज खराब होने लगती है, समय के साथ घिसने लगती है, जो उसका फंक्शन है वो नहीं करती है, तब उसका प्रत्यारोपण होता है, तब उसको हम रिप्लेस करते हैं। मतलब वी डोंट एवर रिप्लेस अ नॉर्मल रिप्लेस। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो घुटनों का दर्द है, हमने बहुत लोगों से सुना है, बुजुर्गों में खासकर, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी जो पेन है, जॉइंट पेन्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या खान पान का असर है या लाइफ स्टाइल का असर है? बिल्कुल, दोनों ही चीज़ों का असर है, खान पान का भी, लाइफ स्टाइल का भी। देखिए, आज से अगर हम 50-100 साल पहले की जनरेशन को देखें, तो 80% ह्यूमन बीइंग्स अपना ज़्यादातर वक्त खड़े होके या चलते फिरते गुजारते थे। ये सिटिंग जॉब्स नहीं थे, ये सिटिंग जॉब पिछले 50-60 साल के अंदर आए हैं। दूसरी चीज़ है, जो ये आजकल जो हम लोग सब ओवरवेट हो रहे हैं ना, ये भी एक बहुत पहले एक निशानी होती थी, भाई कोई रईस इंसान अच्छा, है उसी का ओवरवेट भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, तो वेट जब बढ़ जाता है तो आपके जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर लोड बढ़ जाता है। जो आपके आजकल क्या है, शरीर हो रहा है भारी, और जो हमारे मसल्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं कमज़ोर। ठीक है, जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। जो हम लोग बैठते हैं आजकल, हम लोग पहले फर्नीचर नहीं होता था, लोग ज़मीनों में बैठा करते थे, ज़मीन पे बैठते थे, उठते थे। आप सोचिए कि अगर आपका चौका और आपका पूजा पाठ, आपका खाना पीना सब ज़मीन पे है, एंड इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग अप एंड डाउन, तो आपके पैर बड़े मजबूत हो जाते हैं। आजकल कुर्सी पे बैठते हैं लोग, पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं उठने के लिए, हाथों का और पैरों का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी फ्यू पीपल आजकल जो लोग बिना सहारे उठ पाते हैं, या जमीन पे बिठा दीजिए आधे लोग नहीं उठ पाएंगे। एंड दैट ऑल सिग्निफाइज कि जो हमारे जो जांघों की जो मजबूती होनी चाहिए वो कम हो गई है।
उससे जो हमारे जोड़ों के ऊपर लोड होता है वो बढ़ जाता है, उससे जो हमारे जो बायोमैकेनिक्स हैं जॉइंट के वो चेंज हो जाते हैं, तो उसका जो जोड़ का एक तरह से पतन होता है वो बड़ा फास्ट होने लगा है। बिल्कुल डॉक्टर, एक और चीज़ हमने देखी है कि पहले हम देखते थे, आज से हम 15 साल पहले या 20 सालों की बात करें, तो जो 40+ होते थे या 45+ होते थे उनमें ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन हम देखते हैं कि युवा भी शिकायत कर रहे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम भी जाते हैं, आप तो करते ही हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी नी ट्रांसप्लांट या जॉइंट पेन की शिकायत से है, तो क्या कौन सी एक एज अगर डिस्क्राइब हो सके कि ये एज है इसमें आपको दिक्कत हो सकती है? ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और एक दिस इज स्लाइटली वरिंग, क्योंकि जब हमारे पास कोई यंग मरीज आता है जोड़ बदलवाने के लिए, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनका कुदरती जोड़ जितने समय छोड़ सकें छोड़ें, जितना हम उसको चला सकें। एल्डरली पेशेंट्स में इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट यंग पेशेंट्स में हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कुदरती जोड़ का भी एक सीमित समय है रहने का, तो आर्टिफिशियल जॉइंट का भी एक फाइनाइट टाइम है। तो अगर आपने किसी की 30 साल की उम्र में रिप्लेस कर दिया, तो क्या वो उसके जीवन काल चल पाएगा रिप्लेसमेंट, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है हमारे सामने। तो हम इसीलिए यंग पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो ये हमारे लिए चिंता का कारण है। दूसरा जो चिंता का कारण ये है कि जो घुटना किसी इंसान में 60-70 पे खराब हो रहा है, वो इनके अंदर 30 या 40 में क्यों खराब हो रहा है? यानी कि जीवन शैली खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, हेल्थ खराब है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर समथिंग जो कि हमको मतलब थोड़ा सा उसको विचार करने पर लगते हैं कि मतलब हम इनमें अवॉइड करें किसी तरह रिप्लेसमेंट। और इसके अलावा देखिए, कहते हैं कि योगा से ही होगा, तो क्या जरूरी है कि योगा करने से आपके जॉइंट्स पे बहुत फर्क पड़ सकता है? आपको करना चाहिए एक्सरसाइज। हम देख रहे हैं कि आजकल देखिए और भी बहुत सारी समस्या हो रही है, कोरोना के बाद से हमने बहुत सारी समस्या देखी है, लोग वर्कआउट करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंसिस्ट ऑफ योगा, अभी बड़ा है लेकिन फिर भी लोग वर्कआउट जिम में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए लोगों लोग ना योगा को सोचते हैं कि वो एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनके पास उतना समय ना हो। योगा किसी भी एक्सरसाइज को, जीवन की किसी भी एक्टिविटी को एक योगिक तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अगर मैं उसको अपने सांस से लिंक कर लेता हूँ और मेरा जो ध्यान है वो पूरी तरह मेरे मसल्स की तरफ आ जाता है, तो वो भी एक योगिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो बट आई फील कि योगा जिस तरह से जो उसकी पद्धतियाँ चली आ रही हैं, अलग अलग प्रकार के हठ योग हुआ या अष्टांग योग है या विन्यास योग है, दे आर वेरी सोफेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। उसका जो पद्धति है वो आपको ना सिर्फ मजबूती देती है, आपका स्टेमिना बढ़ाती है, परंतु आपका लचकीलापन बढ़ाती है और आपका एक बैलेंस बढ़ाती है। जब हम योगा करते हैं तो कभी हम एक तरफ स्ट्रेच करते हैं तो हम उसका एक काउंटर स्ट्रेच करते हैं। तो इसलिए योगा एक काफ़ी मेरे हिसाब से एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, जो जिसके बेनिफिट्स आर इमेंस, ना सिर्फ फिजिकली बट इवन मेंटली, बिकॉज वो आपको काम डाउन कराता है, आपको आपकी जो समस्याएं हैं उसको डील करना भी सिखाता है। जी, तो स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले? जैसे अगर मैं खुद का ही एग्जाम्पल हूँ, मैं यंगस्टर हूँ, मुझे पेन हो रहा है घुटनों में, तो क्या सिम्टम्स है? सिर्फ वो जनरल पेन हो रहा है तो वो सिम्टम मालूम है कि हाँ मेरे घुटनों में कुछ तो खराबी है, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जो आर्थराइटिस होता है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके समस्या आने लगती है, जैसे कि हम 20s में होते हैं, उछलते कूदते हैं, कोई कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तकलीफ नहीं होती है। 30s के अंदर थोड़ा सा वो होता है, 40s के अंदर आप नोटिस करेंगे कि जो इम्पैक्ट है आपकी एक्टिविटीज़ के वो थोड़े से आने लगते हैं, क्योंकि जो आपके जो शरीर के अंदर रिजर्व्स हैं, जो आपकी मसल्स की ताकत हैं, और आजकल जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो हम लोग को धीरे धीरे करके थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है। सो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट अगर नहीं है तो ये धीरे धीरे करके क्रीप ऑन करती है। शुरू में लोगों को थोड़ा सा दर्द होता है, कुछ लोगों को स्टिफनेस होती है, जैसे कि अगर आप बहुत समय आपने मूवमेंट नहीं किया, आप जैसे अगर कहीं बैठे हुए हैं और आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप पेन, तो स्टार्टअप पेन होने लगता है लोगों को। फिर स्टिफनेस के साथ साथ
थोड़े से जोड़ टेढ़े पड़ने पड़ते हैं लगते हैं, जैसे कि आपके जो घुटने हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं बोलेक्ट। तो इस तरह की कई सारी जो सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे करके आती हैं, और ये सालों में आती है, डेकेड्स कभी कभी, एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबा पीरियड लोगों को समझ भी नहीं आता। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो क्या रहा है। उन्हें लगता है कि ठीक है जनरल प्रॉब्लम है, दवाइयाँ ले लेंगे हो जाएगा ठीक, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाते। आपने तो बहुत सारे ऐसे लीफ ट्रांसप्लांट बहुत सारे किए हैं, कुछ अपना तजुर्बा कैसा लगा लोगों को, किस तरह के फीडबैक्स रहे, और इसका लाइफ कितना है? अगर कोई 30 या 35 या 40 साल में नी ट्रांसप्लांट करा रहा है तो उसे कितनी बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसका प्रिकॉशंस क्या होगा, पूरा एक स्टेज क्या होगा, क्या और उसके बाद भी कुछ ट्रीटमेंट चलते हैं? तो मैं आपके लास्ट सवाल से चालू करता हूँ। तो जो नी रिप्लेसमेंट है, जो हमारी स्टडीज हैं, हम लोग ज़्यादातर विज्ञान के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो उसको एविडेंस के ऊपर बेस करते हैं, तथ्यों पे। तो हम लोगों के जो तथ्य होते हैं वो स्टडीज़ पे बेस्ड होते हैं। जो हमारी जो बड़ी बड़ी स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि 90% जो हम घुटने करते हैं वो 15 से 20 साल तक आराम से चल जाते हैं, ठीक है। अगर हम लंबी स्टडीज़ देखें जो 30 से 35 साल की पब्लिश्ड है प्रत्यारोपण के ऊपर, वो भी हमें बताती हैं 60-70% तक घुटने अलग अलग सीरीज़ के अंदर 35 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। परंतु इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं, जैसे कि पेशेंट की हड्डी की क्वालिटी कैसी है, पेशेंट के मसल की क्वालिटी कैसी है, पेशेंट का वज़न कितना है, पेशेंट कितना अपने घुटनों के प्रति एफर्ट लगाते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं, पैरों को मजबूत रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो पेशेंट की तरफ से विच आर कन्फाउंडिंग फैक्टर्स। ज़्यादातर जो आज हमारे देश के अंदर रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं, फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम हैव बीन अराउंड फॉर मतलब कई दशकों से हैं, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है कि ये बहुत सालों से है, बहुत सालों से एक अच्छा हमको मतलब इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ सर्जरीज होती हैं बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की रिप्लेसमेंट्स की ही होती हैं। फीडबैक अच्छा रहा है, फीडबैक इज बीन वेरी गुड। सिर्फ मैं अपने पर्सनल फीडबैक की बात नहीं करूँगा, जो बड़ी स्टडीज होती हैं जैसे कि विदेशों के अंदर, कुछ देशों के अंदर नेशनल ज्वाइंट रजिस्ट्री मेंटेन होती है, जहाँ सारे जो जोड़ प्रत्यारोपण होते हैं उनका जो पूरा जो डेटा है वो सरकार अपने पास रखती है, और फिर उसको हर साल एक रिपोर्ट की तरह पब्लिश करती है कि आज इस साल 10 लाख रिप्लेसमेंट हुए हैं तो वो किस तरह से कितने परफॉर्म हुए हैं। तो ये जो हमारे लिए जो तथ्य होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर हम जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हर साल उस रिपोर्ट को देखते हैं कि कौन सा रिप्लेसमेंट हमें मतलब फ़ायदा दे रहा है। अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जाता है? एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो उतना सक्सेसफुल वो नहीं होता, कुछ ऐसा है या सिर्फ ये मिथ है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वो ऐसा नहीं है। देखिए रिप्लेसमेंट जो है मेरे हिसाब से काफी साधारण ऑपरेशन है, मेरे हिसाब से बहुत पेचीदा ऑपरेशन नहीं है, इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन, और ज्यादातर इसका रिजल्ट अच्छा आता है, अच्छा ही आता, ठीक है। इसको सीखने के लिए जैसे कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जो एक बहुत ज़्यादा सर्जन डिपेंडेंट हो जाती हैं कि ना सर्जन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए तभी वो सर्जरी की सक्सेस होती है। नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है, इसीलिए इतना कॉमन है क्योंकि मतलब काफ़ी सारे जो सर्जन्स एक अच्छा फेलोशिप करके आते हैं वो करते हैं, दे आर ऑल गिविंग फेयरली गुड रिजल्ट्स, और हमारे देश के अंदर जो हम रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स देख रहे हैं दे आर comparable to anywhere in the world है, और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ centers के they are better than international standards. Wow, that's a good thing. Doctor, इसके अलावा एक और question जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है, मुझसे भी suggest किया है और भी लोगों से suggest किया है, तो बातें होती हैं तो निकल कर आती हैं जब आम लोगों के बीच आप जाते हैं। जब आप नी रिप्लेसमेंट के लिए कोई पेशेंट आता है तो उसका पूरा चेकअप कैसे होता है? क्योंकि अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है या उसका बीपी लेवल लो या हाई रहता है तो सारी चीज़ें चेक होती हैं। बिल्कुल, तो देखिए जब ऑपरेशन का हम डिसीजन ले लेते हैं कि किसी पेशेंट को, पहले हम देखते हैं पेशेंट को क्या तकलीफ है, कितनी तकलीफ है, क्या नी रिप्लेसमेंट ही एक सोल्यूशन है या हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि हम हर आर्थराइटिस के पेशेंट को रिप्लेसमेंट नहीं कराते,
हम शुरुआत में उनको एक्सरसाइज कराते हैं, वजन कम करवाते हैं, इस तरह से उनको मैनेज करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों की प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादातर पेशेंट उस स्टेज में आते हैं जब उनका रिप्लेसमेंट, मतलब वो कई जगह से हताश हो चुके हैं, घुटने काफ़ी ख़राब हो गए हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं मेनली रिप्लेसमेंट के लिए। तो जब डिसीजन ये बन जाता है कि हाँ, पेशेंट को समझ में आ जाता है कि ये ऑपरेशन होना है, मैं इससे सहमत हूँ, हम भी सहमत हैं इस ऑपरेशन से, तो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर उनको मिलते हैं, उनकी पूरी जांच होती है उनके हार्ट के हिसाब से, उनके कोई गंभीर समस्याएं तो नहीं है। हमारे देश के अंदर देखिए 60-65 के ऊपर बहुत कॉमनली डायबिटीज़ मिलती है हमें पेशेंट्स को, तो डायबिटीज़ कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यदि आपका डायबिटीज़ अच्छे से काबू में है तो इट इज़ लॉक लाइक अ नॉर्मल पेशेंट फॉर अस, उससे कोई हमें ऐसा, हम उसके लिए कोई भी अपना मेडिकेशन या ट्रीटमेंट ऑल्टर नहीं करते हैं, रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आते हैं। तो अगर कोई इशू है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट का पेशेंट है, तो पहले मेडिसिन से उसे नॉर्मल करने की कोशिश, उसके बाद अगर सर्जरी का आता है पॉइंट तब सर्जरी होती है। ये सर्जरीज होती हैं इलेक्टिव सर्जरीज, यानी कि कोई इमरजेंसी में हम नहीं करते हैं ऑपरेशंस को, हम करते हैं प्लान करके। तो अगर हमें कोई भी पेशेंट के अंदर ऐसी समस्या लगती है कि क्या हम इस समस्या को बेटर कर सकते हैं ऑपरेशन के पहले, तो हम पहले वो करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया या डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया, कोई हार्ट का इशू है तो उसको हमने हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को भेज के उनको उसको काबू कर लिया, तो पेशेंट को हम जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि जो ऑपरेशन का जो रिस्क है एकदम मिनिमल हो। तो रिस्क भी होते हैं इस ऑपरेशन में, किसी भी ऑपरेशन किस तरीके का रिस्क हो सकता है? देखिए, हर ऑपरेशन के अपने रिस्क होते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक छोटा सा टाका भी मारते हैं तो उसके अंदर भी रिस्क होता है कि उसमें घाव खराब हो सकता है, पास पड़ सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिससे सर्जन्स घबराते हैं और पेशेंट्स भी चिंता करते हैं, वो होता है इन्फेक्शन का। तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल इन्फेक्शन रिस्क होती है अबाउट 2% और लेस होती है, विच हैज़ नाउ एक्चुअली कम डाउन टू 1% और लेस। और जो बड़े सेंटर्स हमारे की तरह हैं वहाँ पे हम उससे भी कम रखने की कोशिश करते हैं। तो इन्फेक्शन एक ऐसा रिस्क है जिसको हम काफ़ी हद तक कम करा जा सकता है। दूसरा होता है स्टिफनेस का, तो घुटना अकड़ जाता है, जाम पड़ जाता है ऑपरेशन के बाद। ज़्यादातर वो होता है जब पेशेंट का हमको कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको बता के जा रहे हैं, हमने जो उनको एक्सरसाइज सिखाई है वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पेशेंट्स को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट प्रोत्साहित करके रखना पड़ता है ताकि वो एक्सरसाइज करें। थोड़ी तकलीफ होती है ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो हम जो तकलीफ होती है दवा गोली से उसका निवारण करके पेशेंट को अच्छे से मोबिलाइज करा दें। तो स्टिफनेस आजकल बहुत कम देखने में आती है। एक रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि खून के अंदर थक्के बन जाते हैं, क्लॉट्स। और वो थोड़ी रिस्की होते हैं क्योंकि कभी वो लंग में चले जाते हैं तो वो काफी हानिकारक हो सकते हैं। तो ये बहुत रेयर, ये रेयर होता है। और हम लोग इस चीज के लिए, ज्यादातर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स होते हैं इसके लिए अवेयर हैं, तो हम लोग पेशेंट को एक तो तुरंत चलवा देते हैं ऑपरेशन के अगले दिन। हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि पेशेंट अपनी तरफ से चलना फिरना स्टार्ट करे, जो मूवमेंट है जॉइंट्स की वो बनी रहे। जितना मूवमेंट होता है उतना ब्लड स्टैग्नेट नहीं करता है। दूसरा, हम लोग उसके अंदर कुछ खून पतला करने की दवाई चालू करते हैं जब तक पेशेंट अच्छे से चल नहीं रहा है। तो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट के बाद हम 2-3 सप्ताह तक खून पतला करने की दवाई देते हैं। डॉक्टर, बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्चा आता है? देखिए, खर्चा अस्पताल टू अस्पताल वेरी करता है। हमारे देश के अंदर एक बहुत जो मैं कहूँगा अच्छी चीज़ हुई है वो है कि जो हमारी सरकार ने इसको NPPA तहत नी रिप्लेसमेंट के, क्योंकि सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक बहुत अहम ऑपरेशन है, बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है, और ये ज़रूरत इसकी बढ़ेगी आगे समय में। जो नंबर्स ऑफ नी रिप्लेसमेंट हैं हर साल ये कई गुना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज करके इसको, जो नी रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है उसको एक NPPA जो होता है प्राइसिंग पॉलिसी के तहत कर दिया है, तो उसकी एक निर्धारित सीमा है। इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं डॉक्टर? हाँ, तो जैसे सरकार ने उसको जैसे 70,000 रुपीज से ज्यादा का इम्प्लांट हम लोग जो साधारण नी रिप्लेसमेंट है उसको नहीं बेचते हैं। जो कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं वो मतलब कंपनियों का होता है जैसे, तो कंपनी उससे ज्यादा नहीं बेच सकती है रिप्लेसमेंट्स। तो वो एक बहुत फायदेमंद चीज रही है, उससे क्या है कॉस्ट जो है सर्जरी की काफी कम आ गई है। तो ज़्यादातर जो हॉस्पिटलों के अंदर देखिए रिप्लेसमेंट की कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हॉस्पिटल और किस टाइप का हॉस्पिटल है, यूजुअली करीब 2-2.5 लाख से घुटने की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट चालू होती है। इट कैन गो अप टू 3-3.5 लाख फॉर अ सिंगल।
इसके अलावा ये तो बात हो गई कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इनका सॉल्यूशंस है, लेकिन अब बात होगी कि हमें खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में किस तरह का चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के बाद से लोग अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है, इम्यूनिटी मजबूत करनी है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, हार्ट के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा आ रहे हैं यंगस्टर्स में, तो अब अपने जॉइंट्स को लेकर भी लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप जिम जा रहे हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, आपके कुर्तों में पेन हो जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली है कि जीवन दुनिया के अंदर एक बहुत खराब चीज हुई, वो है कोरोना। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी भी खराब अपने इंसिडेंट से लाइफ में कुछ सीख नहीं ली तो इट्स अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो कोरोना से अगर कई लोगों ने ये सीख ली है कि अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होता है, अपने समय से होता है, अपने डिसिप्लिन से होता है, और इसमें डाइट का एक बहुत अहम रोल है। तो जो आज जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी हमारे देश में जो समस्या आ रही है हेल्थ रिलेटेड, दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। एक ज़माने में जो हमारे देश के अंदर था वो कि भुखमरी थी, आज वो एकदम बदल के मोटापे की तरफ आ रही है, जो कि मैं कहूँगा ऑलमोस्ट एज बिग और इवन बिगर देन भुखमरी है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोगों के यहाँ न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। अभी तक ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि मोटापे का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है फैट का इंटेक, ठीक है। जितनी हमारे अभी रिसेंट साइंसेज हैं, बल्कि रिसेंट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा काफ़ी समय से, ये हमें बताती हैं कि ज़्यादातर ये कार्बोहाइड्रेट इंटेक से सबसे ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। हमारे देश के अंदर जो हम लोगों का जो भोजन का तरीका है कि हम लोग बहुत हाई अमाउंट में अनाज खाते हैं, बहुत लो अमाउंट में वेजिटेबल्स, पेट भरने के लिए खाते हैं, तो हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं, हम लोग पोषण के लिए नहीं खाते। न्यूट्रिशन जो है, हम लोगों की जो नॉलेज और जो अवेयरनेस है न्यूट्रिशन की, हम स्कूल में पढ़ लेते हैं बट अप्लाई नहीं करते हैं उसको। सो मेरा ये सजेशन सब पेशेंट्स को यही रहता है कि अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक, बिकॉज हम लोग उतना कैलोरी नहीं बर्न करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखिए। प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हमारा देश शाकाहारी है, तो हम लोगों को बहुत अवेयर होना होता है कि वेजिटेरियन फूड अगर आप लेते हैं प्रीडोमिनेंटली, वो कहाँ से आपका प्रोटीन का सोर्स आए। ज़्यादातर लोगों का सोर्स ऑफ प्रोटीन इज एक्चुअली डेयरी, जो कि उसका कंजम्पशन काफी कम होता है कई लोगों में। आजकल वीगन फूड को लेकर बहुत चलन हुआ है, वीगन, कि हम वीगन है, पहले था नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, आजकल वीगन फूड को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में क्रेज है। वीगन फूड क्या वेजिटेरियन फूड से ज्यादा बेहतर है? देखिए देर आर पॉलिटिकल रीजंस ऑफ आंसरिंग एंड देर इज साइंटिफिक, ठीक है। और आप मेरे से एज अ डॉक्टर पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दे पाऊंगा। देर आर पॉलिटिकल रीजंस, देर आर इमोशनल रीजंस, लोग वीगन होना चाहते हैं, एंड कई मैं उनसे सहमत भी हूँ, भाई हमें आजकल और बेनिवलेंट होते जाना चाहिए, इंसानों को किसी और को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। परंतु अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वीगन फूड के अंदर कमियाँ बहुत हो जाती हैं। सबसे कॉमन होती है कई विटामिन्स की डेफिशिएंसीज, और दूसरी चीज़ है अगर आप बहुत अवेयर नहीं है वीगन फूड को लेके, तो आपके अंदर काफ़ी हद तक प्रोटीन की कमी भी होती है, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं पता चलता कि ऑप्शनल आपके पास क्या क्या है वीगन फूड में। कई लोग कई रीजंस के, कई कारणों से वीगन डाइट की तरफ मतलब आकर्षित होते हैं। अगर आप होते हैं ठीक है, परंतु अगर आप वीगन डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी जो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, कि आप क्या डाइट ले रहे हैं जिससे आपके अंदर कोई कमियां ना आए। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो वीगन डाइट के साथ भी अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं अपने आप को, बट अवेयरनेस मुझे लगता है वीगन डाइट में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, अवेयरनेस तो हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और आज बात करके लगा भी कि अब शायद लोग अवेयर हो जाएंगे इस खास प्रोग्राम के जरिए, समझेंगे कि ये कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, योग करना, और रेगुलरली अपने डॉक्टर से चेकअप भी कराना। इसके अलावा डाइट की हमने बात कर ली, एक्सरसाइज की हमने बात कर ली, और क्या जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम इनटेक कर रहे हैं वाटर, आजकल हम देखिए पानी में बहुत सारे मिनरल्स नहीं है, कैसे वो भी क्या असर डालता है? देखिए बिल्कुल असर डालता है, अनफॉर्चुनेटली अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे पास लिटरेचर तो नहीं पब्लिश हुआ है, बट आई थिंक अगर हम एक्स्ट्रापोलेटेड लिटरेचर देखें, जो मिनरल्स की कमी होती है वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर करती है और हमारी सेहत पे कई सारे नोन और अननोन इफेक्ट्स देती है।
जब हम ज़्यादातर लोग आजकल आरओ का पानी पीते हैं, उसका भी हम लोग जब छोटे थे तब तो हम लोग फिल्टर का पानी पीते थे, ठीक ही थे। अब आजकल आरओ का पानी पीते हैं, अब आरओ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब इसका मैं कहूँगा थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की तरफ आती है कि हम एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम होता है कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हर इंसान को, हर सिटीजन को प्रोवाइड करें, कि हमें घर के अंदर अपने एक आरओ मशीन या कोई भी ऐसी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। परंतु आप अगर नोएडा में ही देख लें तो पानी की क्वालिटी इज़ नॉट कि आप मतलब ड्रिंक आप नल से पी सकें। आप बाहर के देशों में हम जाते हैं, हमें बड़ा अजीब लगता था पहले कि सीधा अपने बाथरूम में ही नल से पानी लेके आप पी सकते थे। और डॉक्टर, बोन्स के लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ एक्चुअली। कैल्शियम एक बोन का बहुत बड़ा पार्ट है, एक रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम होता है। और अगर आप एक बहुत बैलेंस डाइट खाते हैं, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे में कमी होती है वो है विटामिन डी की, और वो कमी का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल हमारे जो शरीर है उस पर धूप नहीं लगती है। लोग कहते हैं हम तो धूप में जाते हैं, रनिंग करते हैं, बट आप पूरी तरह कवर्ड होते हैं आपकी स्किन पे। अगर आप सोचें आज से 50-100 साल पहले आपके पूर्वज होते थे, एक छोटी सी धोती पहनते थे, एक छोटा सा अंगोछा होता था, पूरी देह पे धूप लगती थी, एंड दे यूज्ड टू स्पेंड 6-7 आवर्स इन द सन। उससे विटामिन डी बनता है। हम लोग जिस तरह से आजकल रह रहे हैं, पोल्यूशन है, सब है, उससे हमें विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे इंटेस्टिन से कैल्शियम को अंदर खींचता है और एक ब्लड के अंदर एक लेवल मेंटेन करता है, बोन्स के अंदर एक लेवल मेंटेन करता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी बहुत कम है, आप रोज 4 ग्लास दूध भी पी रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैल्शियम आपके हड्डियों के अंदर जाके जमा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका विटामिन डी ठीक है और आपकी एक बैलेंस डाइट है, तो मैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन सबको एडवाइस नहीं करता हूँ। ओके डॉक्टर, आखिर में बस यही कि हमारे दर्शकों के लिए खास अपील आप क्या करना चाहेंगे अवेयरनेस के बारे में, नी रिप्लेसमेंट के बारे में, और जो पेन हो रहा है आपको, जो यंगस्टर्स में भी बढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए यंगस्टर्स में भी और जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए भी। सबसे आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग हो गए हैं बड़े ढीले, लेजी, ठीक है। हमारा जो मूवमेंट होता है कंपेयर्ड टू हमारे प्रीवियस जनरेशंस, वो बहुत कम हो गया है। तो मैं अगर सिर्फ दो शब्द में बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा, मूव मोर, ज्यादा से ज्यादा अपना शरीर का मूवमेंट रखिए, हाथ का, कंधे का, घुटने का। सिर्फ घुटने ही नहीं है जो आपके जोड़ आपको समस्या देंगे, आपकी कमर भी आपको समस्या देगी, आपके कंधे भी आपको समस्या दे सकते हैं। तो जितना आपका मूवमेंट होगा, जितने आपके शरीर में ताकत होगी, जितना शरीर आपका हल्का फुर्तीला होगा, उतना अच्छा आपका जीवन रहेगा। थैंक यू डॉक्टर, उम्मीद है कि आप लोगों को डॉक्टर राठौर ने जो भी बातें बताई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। हेलो डॉक्टर के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे, तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल।